अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कवर कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा इस वीडियो का वो लिपिड्स हैं। लिपिड्स के अंदर भी तकरीबन वही बातें हैं जो कि सिम बोर्ड के अंदर है, बट थोड़ी सी बातें डिफरेंट हैं, तो ये इतना टाइम नहीं लेगा। अच्छा, लिपिड एक कलेक्टिव टर्म है। ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम? वो तमाम कंपाउंड्स जिनमें फैट्स आ जाते हैं, ऑयल्स आ जाते हैं, वैक्सेस आ जाते हैं और फैट की तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये एक हाइड्रोजेनस ग्रुप है, यानी ये एक ही तरह के कंपाउंड्स नहीं है, थोड़े से एक दूसरे से डिफरेंट तरीके के कंपाउंड्स हैं, बट इनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी है। तो ये हाइड्रोजनस ग्रुप की कॉमन प्रॉपर्टी ये है कि ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, यानी इनमें से कोई भी अगर आप डिसॉल्व करने की कोशिश करें पानी के अंदर तो वो डिसॉल्व नहीं होते। तो ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, तो ये हाइड्रोफोबिक हैं, बट इन्हें आप अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करें, जैसे कि एसीटोन है या अल्कोहल है या ईथर है, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, इनके अंदर ये कंपाउंड डिसॉल्व हो जाते हैं। तो वैसे डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोजनस ग्रुप है, लेकिन जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो ये है कि इनसॉल्युबल वाटर के अंदर होंगे और सॉल्युबल होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। ना लिपिड्स के अंदर भी कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, तो ये तो कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें हो गई, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में इसके अंदर जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी होती है वो कम होती है। इन्होंने कंपैरिजन भी दिया हुआ है, एक हमारे पास लिपिड है जिसका नाम है ट्राइस्टेरिन। ट्राइस्टेरिन का जो फॉर्मूला है वो है C57H110। तो यहाँ तक तो हमें नज़र आ रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर होता है कि जितने कार्बन होते हैं उसके डबल हाइड्रोजन होते हैं। जैसे कि अगर ग्लूकोज की बात करें तो C6 होता है, फिर H12 होता है, तो यहाँ पे हमें लग रहा है हाँ ठीक है 57 है और उसके सामने जो है वो हाइड्रोजन 110 है। लेकिन किसी भी कार्बोहाइड्रेट में जो ऑक्सीजन का अमाउंट होता है वो यूजुअली कार्बन के बराबर होता है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो बहुत कम है, 57 के मुकाबले में सिर्फ 6 ऑक्सीजन के एटम है। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो आपको देखने को मिलती है कि तीनों एटम्स तो वही हैं लेकिन ऑक्सीजन का अमाउंट कम है। अच्छा, एक और चीज़ ये पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट, अगर आपके पास 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है और आपके पास 1 ग्राम लिपिड है, तो लिपिड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में एनर्जी होती है वो 2 टाइम्स होती है, डबल होती है, तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का जो नंबर है वो ज़्यादा है। तो चूंकि हाई कॉन्टेंट है कार्बन और हाइड्रोजन का, तो लिपिड्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देखने को मिलता है। अच्छा, लिपिड्स कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं? तो ये सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट है, सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड भी होता है, आपको पता है कुछ ऑर्गेनिजम्स की मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी होता है। इसके अलावा एक तरह के मॉलिक्यूल होते हैं जिन्हें हम ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर करके बैठे हुए होते हैं। फिर हार्मोन्स के तौर पर स्टेरॉइड हार्मोन की एक पूरी वैरायटी है। तो ये लोकेशंस हैं जहाँ जहाँ पर हमें लिपिड्स मिल जाते हैं। प्रोटेक्शन इनका फंक्शन है, वाटर प्रूफिंग इनका फंक्शन है, इंसुलेशन है और बायोएंसी है। ना ये कुछ कॉमन लिपिड्स हैं जिन्हें डिटेल में हमें पढ़ना है। तो पहले हमारे पास हैं एसाइल ग्लिसरॉल, जो जितनी भी वैरायटीज़ हैं लिपिड्स की हमने पीछे देखा, ये यहाँ पर भी लिखी हुई हैं, उनमें सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो मोस्ट अबंडेंट वैरायटी है लिविंग थिंग्स के अंदर वो एसाइल ग्लिसरॉल्स हैं। ना केमिकली अगर हम बात करें तो एसाइल ग्लिसरॉल को हम डिफाइन कैसे करते हैं? ये ईस्टर्स हैं, किसके? एक कंपाउंड होता है जिसे हम ग्लिसरॉल कहते हैं और दूसरा कंपाउंड होता है जिसे हम फैटी एसिड कहते हैं। तो इन दोनों का जोड़ है, इन दोनों के मिलने से जो बनता है हमारे पास वो एसाइल ग्लिसरॉल कहलाता है। ना ईस्टर जो है ये एक ऐसा कंपाउंड होता है जो तब बनता है हमारे पास जब एक अल्कोहल जो है वो रिएक्ट करता है एसिड के साथ। तो ये आपने केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 9 के अंदर ईस्टर के टॉपिक में पढ़ा होगा। तो उनके दरमियान जो बॉन्ड्स बनता है वो ईस्टर बॉन्ड कहलाता है और ये प्रोसेस जो है ये इस्टेरिफिकेशन कहलाता है। तो एक अल्कोहल और एक एसिड जब ये दोनों मिलते हैं तो इसके नतीजे में एक कंपाउंड बनता है और साथ में वाटर रिलीज होता है, ये प्रोसेस जो है ये कहलाता है इस्टेरिफिकेशन। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास मेथनॉल है, OL से हमें पता लग रहा है कि ये एक अल्कोहल है, ठीक है, ये एक अल्कोहल है। और एथनोइक एसिड, OIC एसिड का मतलब ये है कि ये कार्बोक्सैलिक एसिड है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ाते हैं आपको। तो एक अल्कोहल और एक एसिड जब मिल रहा है तो उसके नतीजे में इधर से हाइड्रोजन और इधर से OH रिलीज़ हो रहा है और ये मिलकर वाटर बना रहे हैं और अब ये बन गया आपके पास एक नया कंपाउंड जिसका नाम है मेथाइल एथनोएट। तो ये कंपाउंड जो है ये एक ईस्टर कहलाता है। ईस्टर क्यों कहलाता है? क्योंकि ये एक अल्कोहल और एक एसिड के मिलने से बना है और इस प्रोसेस को हम इस्टेरिफिकेशन कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ हुआ है। तो मैंने बताया कि जो एसाइल ग्लिसरॉल हैं वो बेसिकली ईस्टर हैं, किसके? ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के और फैटी एसिड के मॉलिक्यूल के। थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ग्लिसरॉल एक ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल है। ऑब्वियसली ना आपको बताया कि अगर ईस्टर बनाना है तो एक अल्कोहल चाहिए और एक एसिड चाहिए। तो ग्लिसरॉल एक अल्कोहल है। कैसा अल्कोहल है? ट्राई हाइड्रोक्सी, यानी इसके अंदर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। तो ये ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल यहाँ पर दिया हुआ है, ये ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, ये जो ब्लू के अंदर बना हुआ है, तो इसके अंदर 1, 2 और 3, ये 3 जो है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, तो इसे हम ट्राई हाइड्रोक्सी कहते हैं, ठीक है। 3 कार्बन है इसके अंदर, हर कार्बन के ऊपर OH ग्रुप लगा है। फैटी एसिड किसे कहते हैं भाई? ये एक टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर कार्बोक्सैलिक एसिड ग्रुप लाजमी मौजूद होता है, ठीक है।
उसके साथ एक हाइड्रोकार्बन की चेन होती है। अब वो चेन जो है वो वेरिएबल होती है, तो इसके अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन होते हैं जो 2 से लेकर 30 तक हो सकते हैं, 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है, इवन नंबर होने चाहिए, ऑड नंबर नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल बना हुआ है इसको हम कहते हैं फैटी एसिड। क्यों कहते हैं भाई इसे हम फैटी एसिड? तो हमारे पास ये जो ग्रुप है दिस इज सी डबल ओ एच, ठीक है, सी ओ ओ एच, ये सी डबल ओ एच हमारे पास ग्रुप है, यहाँ पर भी सी डबल ओ एच है, यहाँ पर भी सी डबल ओ एच है, और ये जो R है ये रिप्रेजेंट करता है किसे? ये रिप्रेजेंट करता है इसकी लंबी सी चेन को जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन होंगे, यानी कार्बन और हाइड्रोजन की ये लंबी सी चेन होगी। अब इसके अंदर 2 से लेकर 30 तक के करीब जो है वो कार्बन पाए जा सकते हैं, तब हम इसे नाम देंगे फैटी एसिड का। तो इन दोनों के मिलने से जो है वो एसाइल ग्लिसरॉल्स फॉर्म होते हैं। तो ये दोनों का तारुफ हो गया। अच्छा, अब फैटी एसिड को आप रिप्रेजेंट करते हैं किस तरीके से? सी डबल ओ एच ग्रुप आ गया और आर आ गया। आर जो है ये बेसिकली क्या है? आर जो है ये कार्बन की चेन चल रही आ रही है पीछे से, जिसे आप हाइड्रोकार्बन टेल कहते हैं। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है? एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल अगर कंबाइन होता है एक फैटी एसिड के साथ, यानी अगर आप ग्लिसरॉल के अंदर सिर्फ एक फैटी एसिड डालें, तब भी एक तरह का मॉलिक्यूल बनता है जो कहलाता है मोनो एसाइल ग्लिसरॉल। यानी इसको भी हम एसाइल ग्लिसरॉल का नाम देते हैं, बट इसको हम नाम देते हैं मोनो एसाइल ग्लिसरॉल क्योंकि अभी तक सिर्फ एक फैटी एसिड अटैच हुआ है, या इसका दूसरा नाम होता है मोनो ग्लिसराइड। सिमिलरली जब एक और फैटी एसिड आप जोड़ देते हैं तो वो कहलाता है डाईएसाइल ग्लिसरॉल, या इसे डाईग्लिसराइड कहते हैं। इतनी डिटेल जो है ये सिंबोर्ड के अंदर नहीं है। और जब 3 फैटी एसिड जुड़ जाते हैं तब जो मॉलिक्यूल बनता है वो कहलाता है ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल या ट्राईग्लिसराइड। इनकी हम कॉमनली बात करते हैं सिंबोर्ड के अंदर। तो ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल या ट्राईग्लिसराइड, तीन फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल के मिलने से बनता है। ट्राईसाइल ग्लिसरॉल्स को हम न्यूट्रल लिपिड्स भी कहते हैं क्योंकि इसके तीनों OH ग्रुप जो हैं उनके ऊपर फैटी एसिड लग चुका है और कोई यहाँ पर चार्ज जो है वो मौजूद नहीं है। तीनों जो ग्रुप से OH वाले उनके ऊपर एक एक फैटी एसिड जो है वो अटैच हो चुका है और अब इसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। दैट इज़ वाई ट्राईसाइल ग्लिसरॉल्स को हम नाम देते हैं न्यूट्रल लिपिड्स का भी। ओके, कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लें फैटी एसिड्स की। तो फैटी एसिड मैं बता चुका हूँ कि ये वो कंपाउंड है जिसके अंदर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और उसके पीछे जो है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और इसके पीछे जो है वो हाइड्रोकार्बन की चेन लगी हुई होती है, यानी कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन। तो छोटे भी हो सकती है बड़ी भी हो सकती है। तो अबाउट 30 डिफरेंट फैटी एसिड जो हैं वो हमें मिले हैं। ये वेरी करते हैं लेंथ के अंदर, डिपेंड करता है कि उसके पीछे कितने कार्बन की चेन लगी हुई है। लाइक एसिटिक एसिड जो है उसके अंदर सिर्फ 2 कार्बन होते हैं, यानी एक कार्बन वाला हो गया जिस जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला है, सॉरी ऑक्सीजन आ गया, तो ये हो गया सी डबल ओ एच एक कार्बन और दूसरा कार्बन ये है बस, ठीक है। तो एसिटिक एसिड जो है उसके अंदर सिर्फ 2 कार्बन है। अगर इसके अंदर 2 कार्बन और लगा दूँ तो ब्यूटायरिक एसिड बन जाएगा। इन्हें हम सिंपलेस्ट फैटी एसिड का नाम देते हैं, लेकिन कॉमनली जो आपके फैटी एसिड होते हैं उसके अंदर 12 से 20 के करीब जो है वो आपको कार्बन मिलते हैं। पामेटिक एसिड एक टाइप का फैटी एसिड है जिसमें 16 कार्बन होते हैं। स्टेरिक एसिड एक टाइप का फैटी एसिड है जिसमें 18 कार्बन होते हैं। दे आर मोस्ट कॉमन फैटी एसिड, ठीक है ना। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, अच्छा ये आपने उसके अंदर भी पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब आप अल्केन अल्कीन अल्काइन पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि शुरू में जो अल्केन होता है वो 1 कार्बन वाला होता है जिसे मेथेन कहते हैं, फिर 2 कार्बन वाला होता है जिसे एथेन कहते हैं, फिर प्रोपेन आता है, फिर ब्यूटेन आता है, फिर पेंटेन आता है। इस तरह से आप नीचे जाते रहते हैं तो कार्बन का नंबर इंक्रीज़ होता है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि जब आप नीचे जाते हैं तो इंक्रीज़ होती हैं, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर भी मिलेगी। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं फैटी एसिड की जो इंक्रीज़ होती जाती हैं जैसे जैसे उनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता जाता है, यानी डाउन द ग्रुप जब आप जा रहे हैं तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, सच एज मेल्टिंग पॉइंट। जाहिर है नंबर ऑफ कार्बन जितने बढ़ते जाएंगे उतने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे उतना मेल्टिंग पॉइंट, उस चीज़ को मेल्ट करना उतना मुश्किल होता जाएगा। तो फैटी एसिड्स के अंदर जैसे 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 कार्बन का नंबर बढ़ता जाता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाता है, उतना ज़्यादा वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होते जाते हैं। इसके अलावा उतना ज़्यादा हाइड्रोफोबिक उनका नेचर बढ़ता जाता है जितना ज़्यादा कार्बन का नंबर बढ़ता जाता है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो नंबर ऑफ कार्बन के बढ़ने से इंक्रीज़ हो रही हैं। ना फैटी एसिड या तो सैचुरेटेड होंगे या अनसैचुरेटेड होंगे। अच्छा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को एक तरीके से तो डिफाइन इस तरह किया जाता है कि जिसके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है वो सैचुरेटेड है और जिसके अंदर डबल बॉन्ड आ जाता है तो वो अनसैचुरेटेड होता है। अच्छा, एक और डेफिनेशन इसकी ये होती है जो यहाँ पर आपको मिल जाएगी कि अगर किसी फैटी एसिड के अंदर सारे के सारे इंटरनल कार्बन एटम्स जो हैं उन पर हाइड्रोजन लगा हुआ है तो वो सैचुरेटेड कहलाता है। क्या मतलब है इसका? यानी अगर एक फैटी एसिड के अंदर समझ लें 10 कार्बन है और हर कार्बन के जितने भी बॉन्ड्स हैं वो हाइड्रोजन से बने हुए हैं,
यानी अंदर वाले जितने भी कार्बन हैं उनके हर बॉन्ड के ऊपर उनके साथ हाइड्रोजन हर जगह अटैच हुआ हुआ है। इसका मतलब जाहिर है कि वो सैचुरेट हो चुका है, यानी जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बन सकते थे, सॉरी हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्ड बन सकते थे वो बन चुके हैं। तो ऐसा फैटी एसिड जो है वो सैचुरेटेड कहलाता है, यानी अब इसके अंदर फर्दर हाइड्रोजन ऐड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कोई बॉन्ड बचा ही नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसा कार्बन इसके अंदर हो जिसके अंदर डबल बॉन्ड कार्बन के साथ बना हुआ हो, अब ये अनसैचुरेटेड है। क्यों अनसैचुरेटेड है? क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन अभी आए नहीं हैं। अगर मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ दूँ तो इसके साथ भी एक हाइड्रोजन मैं अटैच कर सकता हूँ, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन मैं अटैच कर सकता हूँ। तो ऐसा फैटी एसिड कि जिसके अंदर डबल बॉन्ड होता है उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन अभी नहीं आए हैं, डबल बॉन्ड को तोड़ के आप फर्दर हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, तो ऐसा फैटी एसिड अनसैचुरेटेड कहलाता है। और वो फैटी एसिड कि जिसके अंदर सारे हाइड्रोजन बॉन्ड सारे के सारे बॉन्ड यूटिलाइज हो चुके हैं, फर्दर हाइड्रोजन उसके अंदर ऐड नहीं किया जा सकता, ऐसा फैटी एसिड कहलाता है सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो पामेटिक एसिड जो है ये एग्जाम्पल है सैचुरेटेड फैटी एसिड की, इसके अंदर फर्दर हाइड्रोजन ऐड नहीं हो सकते बिकॉज इसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड है इसका मतलब ये कि वो आसानी से मेल्ट नहीं होते, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। और एनिमल लिपिड्स जो होते हैं उनसे ये आपको मिलते हैं। तो फैट्स जो हैं उनके अंदर जो फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। फैट्स क्या है? फैट्स जो है वो एक टाइप के ट्राइग्लिसराइड्स हैं, ठीक है। यानी फैट्स भी किस चीज़ से बने होते हैं? ग्लिसरॉल से और फैटी एसिड से। अब इसके अंदर जब आप फैटी एसिड देखेंगे तो वो कौन सी वैरायटी के मिलेंगे? इसके अंदर जो फैटी एसिड मिलेंगे वो सैचुरेटेड वैरायटी के मिलेंगे। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर एक या एक से ज़्यादा जो है वो डबल बॉन्ड आपको नज़र आते हैं, और चूंकि डबल बॉन्ड मौजूद है तो इस डबल बॉन्ड को जब आप तोड़ेंगे तो आप फर्दर हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब अभी ये सैचुरेटेड नहीं है हाइड्रोजन के साथ। एग्जाम्पल के अंदर ओलिक एसिड आते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड होता है, तो इनका लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो प्लांट्स के अंदर जो लिपिड्स पाए जाते हैं वो कॉमनली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कंटेन करते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स के जिनके अंदर तो ऐसे ट्राइग्लिसराइड्स के जिनके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं वो लो टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट कर जाते हैं, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। तो ये लिविंग थिंग्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये मैंने एक्सप्लेन किया था उसके अंदर कि प्लांट्स जो हैं वो लो टेम्परेचर जब होता है तब कैसे उसके साथ कोप करते हैं, तो वो अपनी मेम्ब्रेन के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बढ़ाते हैं, क्योंकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं वो आसानी से मेल्ट हो जाते हैं, तो वो फ्रीज इतनी आसानी से नहीं होते। तो जितना ज़्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा उतना ज़्यादा मेम्ब्रेन लिक्विड रहेगी और ट्रांसपोर्ट जो है वो इनहिबिट नहीं होगी। तो ये कुछ कॉमन फैटी एसिड्स हैं। दोनों वैराइटीज दी हुई हैं, एक सैचुरेटेड है जिसमें पामेटिक आता है और स्टेरिक आता है, और एक अनसैचुरेटेड है जिसमें ओलिक आता है और लिनोलिक आता है। ये इनके सोर्सेज दिए हुए हैं। ज़्यादातर फैट्स एंड ऑयल्स के अंदर आपको ये मिल जाता है पामेटिक, ज़्यादातर फैट्स एंड ऑयल्स के अंदर आपको स्टेरिक मिल जाता है। अनसैचुरेटेड की अगर हम बात करें तो ये ऑलिव ऑयल और वेजिटेबल। देखें, ये प्लांट सोर्स से आ रहा है, ये यूजुअली एनिमल सोर्स से आते हैं। सैचुरेटेड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दिए हुए हैं, तो इसके अंदर 16, 18, 18, 18 कॉमनली जो है वो आपको यही नंबर मिलता है, लेकिन कम नंबर वाले भी फैटी एसिड्स होते हैं। अच्छा, इसके बाद ये कंडेंस फार्मूला दिया हुआ है, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, तो देखें सैचुरेटेड का मेल्टिंग पॉइंट हाई है, 63 या 70 के आसपास है, जबकि अनसैचुरेटेड का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत लो है। नाउ दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ लिपिड्स जिन्हें हम वैक्सेस कहते हैं। वैक्सेस भी हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स होते हैं, जाहिर है वैक्सेस लिपिड्स के अंदर आए हैं, तो लिपिड्स भी हाइड्रोफोबिक हैं। दो तरह के वैक्सेस हैं, एक नेचुरल हैं और एक सिंथेटिक हैं। नेचुरल वैक्सेस जो हैं वो सिंपल लिपिड्स हैं। ये भी ईस्टर्स हैं। क्यों ईस्टर्स हैं भाई? क्योंकि ये तब बनते हैं जब एक फैटी जब एक आपका एसिड कम्बाइन होता है अल्कोहल के साथ। तो एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो कि एक एसिड है और एक लॉन्ग चेन अल्कोहल जब मिलते हैं तब जाकर आपके पास एक ईस्टर बनता है उसका, जिसको आप वैक्स का नाम देते हैं। तो बीज वैक्स जो है इसका फॉर्मूला आई थिंक इस बुक के अंदर नहीं दिया हुआ, सिन बोर्ड के अंदर दिया हुआ, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इनमें से बता दें कौन सा जो है वो वैक्स है, और आपके पास 5 फार्मूला दिए हुए हैं, तो हो सकता है कि 4 फार्मूला कार्बोहाइड्रेट के दिए हुए हों और एक फार्मूला जो है वो वैक्स का दिया हुआ, तो आइडेंटिफाई करना आसान होगा। कार्बोहाइड्रेट के अंदर आप देखेंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो सेम नंबर के अंदर दिए हुए होंगे, जबकि जो वैक्स है चूंकि वो लिपिड है तो उसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा। तो बीज वैक्स जो है ये हनीकॉम के अंदर मिलता है, और क्यूटिन भी एक तरह का वैक्स है, ये नेचुरल है जो कि लीफ की सर्फेसिस के ऊपर मिलता है। चूंकि ये वैक्स हाइड्रोफोबिक होते हैं तो ये पानी को गुजरने नहीं देते, तो ये ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस करने के काम आते हैं। केमिकली इनर्ट होते हैं, रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन से रेजिस्टेंट होते हैं, यानी एटमॉस्फेयर के इनके ऊपर जो है वो इफेक्ट नहीं होता।
प्रोटेक्टिव फंक्शन होते हैं, इनको मैं बता चुका हूँ। एक तो प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पर आते हैं और दूसरा प्रिवेंट करते हैं वाटर के लॉस को। सिंथेटिक वैक्सेस जो हैं ये पेट्रोलियम से या फिर पॉलीथाइलीन से जो है वो ड्राइव किए जाते हैं। इसकी एक एग्जांपल जो है वो पैराफिन है जो कि कैंडल्स बनाने के अंदर इस्तेमाल की जाती है। तो जब आप नेचुरली किसी चीज़ को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं उसका स्ट्रक्चर, तो फिर आप उसका सिंथेटिक वर्जन जो है वो बना सकते हैं। तो दोनों तरह की वैक्सेस जो हैं वो आपको मिल जाते हैं। थर्ड टाइप ऑफ लिपिड जो है हमारे पास वो फॉस्फोलिपिड्स हैं। फॉस्फोलिपिड्स जो हैं ये ड्राइव किए जाते हैं फॉस्फेटिडिक एसिड से। सो दिस इज़ लाइक द प्रिकर्सर मॉलिक्यूल के जैसे ये खुद भी फॉस्फोलिपिड के अंदर आता है और इससे फर्दर फॉस्फोलिपिड्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, फॉस्फोलिपिड कब बनते हैं? जब फॉस्फेटिडिक एसिड जो है यानी ये मॉलिक्यूल जो है ये कम्बाइन होता है इनमें से किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। इनमें से एक मॉलिक्यूल जो यहाँ पर दिया हुआ है वो कोलीन है। कोलीन एक तरह का नाइट्रोजनस बेस होता है, यानी एक बेस है, एक नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है जिसकी प्रॉपर्टीज़ बेसिक होती हैं। एक दूसरा का मॉलिक्यूल है जिसको हम कहते हैं एथेनॉल अमाइन। ये बहुत ज़्यादा डिटेल जो है ये बुक के अंदर दे दी गई है। ये एक अल्कोहल है जिसके अंदर अमाइनो ग्रुप होता है। इसके अलावा एक और मॉलिक्यूल है आइनोसाइटॉल, ये भी एक अमाइनो अल्कोहल है। और एक मॉलिक्यूल है जिसको हम कहते हैं सीरीन जो कि अमाइनो एसिड है। तो फॉस्फेटिडिक एसिड इनमें से किसी एक के साथ कम्बाइन होकर फॉस्फोलिपिड जो है वो फॉर्म करता है। फॉस्फेटिडिक एसिड की अगर हम बात करें तो उसका मॉलिक्यूल जो है वो डाइग्लिसराइड जैसा होता है। इफ़ यू रिमेंबर डाइग्लिसराइड, तो डाइग्लिसराइड वो होता है कि जिसके अंदर ग्लिसरॉल जो है वो कम्बाइन हुआ हुआ होता है किसके साथ, दो फैटी एसिड्स के साथ। तो ग्लिसरॉल जब दो फैटी एसिड्स के साथ कम्बाइन होता है तो डाइग्लिसराइड बनता है। तो अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो ये ग्लिसरॉल है और ये एक और ये दो दो फैटी एसिड्स जो हैं इनके साथ ये कम्बाइन हुआ हुआ है। तो फॉस्फेटिडिक एसिड का मॉलिक्यूल इसी तरह का होता है, एक ग्लिसरॉल है और दो फैटी एसिड है। फर्क कहाँ पर आता है? तो इफ़ यू रिमेंबर कि ग्लिसरॉल जो होता है उसके अंदर तीन OH लगे हुए होते हैं। तो एक O जो है वो यहाँ पर मौजूद है, दूसरा O जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो फर्स्ट एंड सेकंड OH ग्रुप जो है उसके ऊपर फैटी एसिड लगा हुआ है, यहाँ पे स्टेरिफिकेशन हुई हुई है, और जो थर्ड OH था उसके ऊपर आके लग जाता है फॉस्फेट ग्रुप। तो इस तरीके से ये डिफर करता है, फॉस्फेट ग्रुप जो है वो डिफर करता है डायसाइल ग्लिसरॉल के अंदर और डायग्लिसराइड के अंदर और फॉस्फेटिडिक एसिड के अंदर। तो इस तरह फॉस्फेटिडिक एसिड जो है वो इन चारों में से किसी के साथ भी कंबाइन होकर एक नया मॉलिक्यूल बनाता है जिसको आप फॉस्फोलिपिड का नाम देते हैं। इनमें से मोस्ट कॉमन टाइप जो होती है उसमें ये फॉस्फेटिडिक एसिड जो है ये कंबाइन होता है कोलीन के साथ जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड। इसको हम फॉस्फेटिडाइल कोलीन का नाम भी देते हैं और इसे हम लेसिथिन का नाम भी देते हैं। ये मॉलिक्यूल जो यहाँ पर बना हुआ है ये फॉस्फेटिडाइल कोलीन का है। अच्छा, एक चीज़ जो कि मैं मेंशन करना चाहता हूँ वो ये है कि ये वाला फैटी एसिड आपको स्ट्रेट नजर आ रहा है और ये वाला फैटी एसिड आपको टेढ़ा नजर आ रहा है। तो बेसिकली जो स्ट्रेट वाला है वो सैचुरेटेड वैरायटी है फैटी एसिड की, क्योंकि इसके अंदर सारे सिंगल बॉन्ड है तो इसके अंदर कहीं पर किंक नहीं आ रहा। जो टेढ़ापन आता है वो वहाँ पर आता है जहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद होता है। तो ये डबल बॉन्ड जो है ये इसके अंदर किंक प्रोड्यूस करता है, तो ये रिप्रेजेंट होता है इस तरीके से। अच्छा, अब फॉस्फोलिपिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं आप ऑलरेडी जानते हैं कि उसके दो एंड्स होते हैं। एक उसका जो एंड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, यानी वाटर लविंग होता है। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक है, जहाँ पर फॉस्फेट लगा हुआ है, जहाँ पर कोलीन लगा हुआ है। तो ये वाला जो पार्ट है ये पोलर भी होता है, ये सॉल्युबल इन वाटर भी होता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है। जबकि जो दूसरा एंड है जहाँ पर फैटी एसिड्स लगे हुए हैं जिससे टेल का नाम भी देते हैं, ये हाइड्रोफोबिक होती है, ये नॉन पोलर होती है और ये इनसॉल्युबल होती है वाटर के अंदर। तो फॉस्फोलिपिड जो हैं ये मेजर कॉम्पोनेंट होते हैं आपके लिपिड की जो बायलेयर होती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कॉमनली लिपिड पाए जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। सेकंड नंबर पे जो आते हैं वो लिपिड की वैरायटी कोलेस्ट्रॉल की होती है। सो ये इनका फंक्शन है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टर्पीन्स। ना, टर्पीन्स जो होते हैं ये एक तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लिपिड्स के अंदर आते हैं और इनका जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो एक 5 कार्बन वाला कंपाउंड होता है जिसको हम आइसोप्रीन यूनिट कहते हैं। अब ये आइसोप्रीन यूनिट जो है ये यहाँ पर बना हुआ है, इसके अंदर 5 कार्बन होते हैं। तो ये 5 कार्बन वाला जो यूनिट है जिसको आप आइसोप्रीन यूनिट कहते हैं, इनको आप जोड़ते चले जाएं तो आप टर्पीन्स जो हैं वो बना सकते हैं। तो सिंपलेस्ट टर्पीन जो है आपके पास, सबसे छोटा टर्पीन जो है आपका, वो दो आइसोप्रीन यूनिट के मिलने से बनता है जिसको आप मोनोटर्पीन का नाम देते हैं। यानी दो यूनिट जब जुड़ेंगे तो आपके पास एक सिंगल टर्पीन बनेगा, उसको आप मोनोटर्पीन का नाम देते हैं। उसकी एग्जाम्पल है मेंथॉल। तो मेंथॉल जो है ये टर्पीन्स के अंदर आता है, ये दो आइसोप्रीन यूनिट जो हैं उनको जोड़ने से बनता है। 4 को अगर आप जोड़ेंगे तो उससे आपके पास बनेगा डाइटर्पीन। विटामिन ए जो है वो इसके अंदर आता है, फाइटॉल जो कि क्लोरोफिल की टेल होती है वो इसके अंदर आती है। और 6 को अगर आप जोड़ेंगे तो उससे आपके पास बनेगा ट्राइटर्पीन, इसकी एग्जाम्पल के अंदर एम्ब्रीन आता है। तो ये हमारे पास टर्पीन एक तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं।
जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वॉलेटाइल होते हैं, उनकी एक फ्रेग्रेंस होती है, तो परफ्यूम्स के अंदर जो है वो इन्हें इस्तेमाल किया जाता है, या जो प्लांट से हमें वो मिल रही होती है, फ्रेग्रेंस मिल रही होती है, तो वो इन्हीं वॉलेटाइल टर्टिन्स की वजह से होती है, जैसे कि मेंथॉल है, और बाकी कुछ जो है वो रबर इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ विटामिन के डेरिवेटिव्स होते हैं। नेचुरल रबर जो है हमारे पास वो एक पॉलीटर्पीन होता है, यानी उसके अंदर जो नेचुरल रबर हमें मिलता है उसके अंदर इस तरह के बहुत सारे यूनिट्स हैं वो मिलते हैं, और तब जाकर वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे आप पॉलीटर्पीन का नाम देते हैं। तो थोड़ा सा लेस सिग्निफिकेंट है, दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स जो हैं ये हमारे पास एक और तरह के लिपिड्स हैं, इनके अंदर हर स्टेरॉइड के अंदर एक तरह का स्ट्रक्चर हमें मिलता है जिसे हम स्टेरॉइड न्यूक्लियस कहते हैं। इसके अंदर तकरीबन 17 कार्बन होते हैं जो कि अपने आप को चार रिंग की फॉर्म के अंदर जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं। इसमें से जो तीन रिंग्स हैं उनमें 6-6 कार्बन होते हैं, और जो चौथा रिंग होता है उसमें 5 कार्बन होता है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स इसमें बड़ा कन्फ्यूज होते हैं कि इसमें 6 कार्बन कैसे हैं, तो अगर इस रिंग को मैं हटा कर बनाऊँ, लेकिन डायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो आपको 6 कार्बन नज़र नहीं आएंगे, लेकिन अगर मैं इसको निकाल कर बनाऊँ तो अब अगर आप काउंट करें तो ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5 और 6, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इस रिंग को भी निकाल कर बनाऊँ तो 6 कार्बन, इस रिंग को भी निकाल कर बनाऊँ तो 6 कार्बन, और इसको निकाल कर बनाऊँ तो 5 कार्बन। तो इस तरह से ये जो चार रिंग्स हैं जिसमें 3 6 कार्बन वाले और 1 5 कार्बन वाला है, तो ये मिलकर बनाते हैं आपके पास स्टेरॉयड न्यूक्लियस। तो स्टेरॉयड न्यूक्लियस जो है वो समझे बेस है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि हर स्टेरॉयड के अंदर पाया जाता है। तो एक स्टेरॉयड दूसरे स्टेरॉयड से डिफर कैसे करता है, तो उसके लिए डिफ्रेंशिएट करने वाली जो चीज़ होती है वो साइड चेन होती है। हर स्टेरॉयड के अंदर जो है वो स्टेरॉयड न्यूक्लियस के अलावा कोई ना कोई चेन, फॉर एग्जांपल यहाँ से एक अदद चेन लगी हुई होगी, एक अदद कंपाउंड लगा हुआ होगा, उसकी जो लेंथ है वो और उसका जो साइज़ है वो जो है वो एक स्टेरॉयड को दूसरे स्टेरॉयड से डिफर करती है। तो हर स्टेरॉयड के अंदर स्टेरॉयड न्यूक्लियस तो मौजूद होगा, लेकिन एक साइड चेन होगी जो कि जिस तरह अमाइनो एसिड के अंदर एक साइड चेन होती है, रेडिकल ग्रुप होता है जो कि एक अमाइनो एसिड को दूसरा अमाइनो एसिड से डिफरेंशिएट करता है, बिल्कुल इस तरह ये जो साइड चेन है ये डिफरेंशिएट करती है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो मेन स्टेरॉयड कंसिडर किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल एक खुद भी एक तरह का मॉलिक्यूल है और प्रिकर्सर भी है जिससे दूसरी तरह के मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म होते हैं। तो ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सिंथेसाइज होते हैं, जिसके अंदर बाइल एसिड्स हैं, बाइल के अंदर जो एसिड्स मौजूद होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल से सिंथेसाइज होते हैं। इसके अलावा मेल के सेक्स हार्मोन जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, फीमेल के सेक्स हार्मोन जिसमें प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन आते हैं, इसके अलावा बाइल सॉल्ट्स जो कि फैट को इमल्सिफाई करने के काम आते हैं, और विटामिन डी, ये भी सिंथेसाइज होता है कोलेस्ट्रॉल से। ये तमाम चीज़ें जो है ये कोलेस्ट्रॉल से सिंथेसाइज होती हैं, जो खुद भी स्टेरॉइड है, और ये जो बनने वाले मॉलिक्यूल हैं ये भी स्टेरॉइड की कैटेगरी के अंदर आते हैं। द लास्ट टाइप ऑफ लिपिड्स जो यहाँ पर दिए हुए हैं वो हैं प्रोस्टाग्लैंडिंस। अच्छा, ये सिंबोर्ड के अंदर इनका बिल्कुल कोई नामो निशान नहीं है। प्रोस्टाग्लैंडिंस जो है ये हर टिश्यू के अंदर मौजूद होते हैं, ये एक्चुअली प्रोड्यूस होते हैं, और इनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं। ये लोकल हार्मोन्स के तौर पर बिहेव करते हैं, इनके बहुत सारे वेरिएबल फंक्शन होते हैं। ये ड्राइव होते हैं एक तरह के मॉलिक्यूल से जैसे एराकिडोनिक एसिड कहते हैं, ये मैं अगर दिखाऊँ यहाँ पे, तो मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स मौजूद होते हैं उनके ऊपर एक एंजाइम वर्क करता है जिसका नाम है फॉस्फोलाइपेज A2। फॉस्फोलाइपेज A2 जो है ये मेम्ब्रेन के अंदर के फॉस्फोलिपिड्स को कन्वर्ट करता है एक तरह के मॉलिक्यूल में, जिसको हम एराकिडोनिक एसिड कहते हैं। इस एराकिडोनिक एसिड से फर्दर दो तरह के पाथवे निकलते हैं, यानी इसको कन्वर्ट किया जाता है डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स के अंदर, डिफरेंट तरह के प्रोस्टाग्लैंडिंस के अंदर। तो एक पाथवे ये है जिसे हम लाइपोऑक्सीजिनेज पाथवे कहते हैं, और दूसरा साइक्लोऑक्सीजिनेज है। तो इस तरह से आपके पास जाकर ये जो PG लिखा हुआ आ रहा है ये प्रोस्टाग्लैंडिंस हैं जो कि फॉर्म हो रहे हैं, जिनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। अच्छा, अभी मैं आता हूँ इसके ऊपर कि ये जो और इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है। तो एराकिडोनिक एसिड वो मॉलिक्यूल है कि जिससे कुछ केमिकल्स बनते हैं जिन्हें हम प्रोस्टाग्लैंडिंस कहते हैं। इनके फंक्शन बहुत वेरी करते हैं, बहुत वाइड वैरायटी के फंक्शन हैं। कुछ हैं जो ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, कुछ हैं जो उसे रेज करते हैं। क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, ब्लड वेसल्स जो हैं उनको डायलेट कर देंगे या उनको कंस्ट्रिक्ट कर देंगे। इम्यून सिस्टम के अंदर कुछ वर्क करते हैं, जैसे कि आपको पता है फीवर प्रोड्यूस करने वाले कुछ केमिकल्स होते हैं। जब भी किसी उसके अंदर टिश्यू के अंदर डैमेज होता है तो वहाँ जो सेल्स मौजूद होते हैं, इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं, वो कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो वो प्रोस्टाग्लैंडिंस होते हैं। इसके अलावा कुछ प्रोस्टाग्लैंडिंस इन्फ्लेमेशन करवाते हैं। आपको पता है इन्फ्लेमेशन के अंदर क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं। पहले अगर ऐसी थी तो फिर डायलेट हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बढ़ेगा, जिसकी वजह से वो एरिया रेड हो जाता है। और इसके अलावा जो परमिएबिलिटी है, यानी इसके अंदर जो स्पेसेस थी जो पहले कम थी वो स्पेसेस बढ़ जाती हैं, ताकि जो इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो क्रॉस करके जाएं और टिश्यू के अंदर जाके जो बैक्टीरिया वगैरह हैं उनसे लड़ें। तो ये पूरा इन्फ्लेमेशन का जो प्रोसेस है, इसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिंस ये कुछ केमिकल्स होते हैं जो अपना अपना काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा रेगुलेट करते हैं एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स को।
प्लेटलेट्स, कहीं पर भी जब इंजरी होती है और ब्लड वेसल्स के अंदर पंक्चर होता है, लीक करने लगता है ब्लड, तो वहाँ पर प्लेटलेट्स आकर प्लग बनाते हैं। तो वो प्लग बनाने के लिए जो है वो केमिकल्स की ज़रूरत होती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए केमिकल्स की ज़रूरत होती है, तो वो भी जो प्रोस्टाग्लैंडिंस है वहाँ पर रोल प्ले करते हैं। अच्छा, अब एक हमारे पास ड्रग है जिसको आप डिस्पिरिन के नाम से जानते हैं। तो डिस्पिरिन के अंदर केमिकल जो होता है वो एस्पिरिन होता है। तो एस्पिरिन जो है वो फीवर रिड्यूस करने के लिए भी यूज़ होता है और पेन रिड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी पेन किलर के तौर पर भी इस्तेमाल होती है और फीवर के अंदर भी इस्तेमाल होती है। तो क्यों इस्तेमाल होती है? बिकॉज एस्पिरिन जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को रोकती है। इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो एराकिडोनिक एसिड जो है उसको ये साइक्लोऑक्सीजिनेज जो है, ये एंजाइम है, ये साइक्लोऑक्सीजिनेज जो है ये कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट कर रहा है प्रोस्टाग्लैंडिन्स के अंदर। तो ये एनसेड लिखा हुआ है। एनसेड जो है ये एक तरह की कैटेगरी होती है मेडिसिंस की, जिसको हम कहते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। यानी ये वो ड्रग्स हैं जो स्टेरॉयड नहीं है, क्योंकि स्टेरॉयड्स भी इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं। तो कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो स्टेरॉयड नहीं है लेकिन उसके बावजूद इन्फ्लेमेशन को रोकती हैं, तो उसके अंदर आपका ये एस्पिरिन आ जाती है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा ब्रोफिन का, जिसके अंदर आइबोप्रोफिन होता है, वो भी इसके अंदर आता है। ठीक है, तो ये मेडिसिंस क्या करती हैं, ये उन केमिकल्स को बनने से रोकती हैं जो फीवर प्रोड्यूस करवा रहे हैं, जो इन्फ्लेमेशन करवा रहे हैं। तो इस तरह से ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती हैं। इसके अलावा हमारे जो स्टेरॉइड्स होते हैं, नेचुरली जो स्टेरॉइड्स हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें कॉर्टिसोल आता है, आपने पढ़ा होगा कि कॉर्टिसोल जो है वो रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन को और पेन को। वो कैसे रिड्यूस करता है? वो इससे ऊपर जाके इस एंजाइम को रोक देता है। जब वो इस एंजाइम को रोक देगा तो जाहिर है एराकिडोनिक एसिड नहीं बनेगा। जब एराकिडोनिक एसिड नहीं बनेगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्मेशन नहीं होगी। तो एनसीड जो है वो नीचे वाले एंजाइम को रोक रहे हैं, जबकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो आपके ऊपर वाले एंजाइम को रोकते हैं। दैट इज़ वाई आप लैब्स के अंदर सिंथेसाइज करते हैं इस तरह के मॉलिक्यूल जिनका स्ट्रक्चर जो है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसा होता है, और फिर आप उन्हें मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ओरल मेडिसिन भी होती हैं, बहुत सारी कंडीशन ऐसी हैं, बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जिनके अंदर हम पेशेंट को स्टेरॉइड देते हैं। और आपने जो जेल वगैरह होते हैं जो टॉपिकली इस्तेमाल किए जाते हैं, स्किन के ऊपर लगाए जाते हैं इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, कहीं सूजन हो जाती है तो उसके ऊपर भी आपने कहीं पर लिखा हुआ देखा होगा स्टेरॉइड। तो वो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं और पेन को रिड्यूस करते हैं। तो यही सारी बातें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो इन्फ्लेमेशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन्फ्लेमेशन कैसे आप कैरेक्टराइज करते हैं? रेडनेस होती है, रूबर जिसे कहते हैं, हीट होती है, कैलर जिसे कहते हैं, पेन होता है, डॉलर जिसे कहते हैं, और स्वेलिंग होती है जिसे ट्यूमर कहते हैं। सारी चीज़ें मैंने इम्यून सिस्टम में एक्सप्लेन की हैं। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन के अंदर ब्लड वेसल डायलेट होती है, और इसके अलावा उसकी परमिएबिलिटी बढ़ जाती है ताकि जो ब्लड जो WBC है, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो क्रॉस करके जाएं और जाकर जो भी डैमेजिंग वो है फैक्टर है उससे जो है वो फाइट करें। तो एस्पिरिन जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एनाल्जेसिक भी है और एंटी पायरेटिक भी है, यानी इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करती है, पेन को भी कम करती है और बुखार को भी कम करती है। कैसे? कि प्रोस्टाग्लैंडिन का जो सिंथेसिस है उसे ये रोकती है। जो मेटाबॉलिक एराकिडोनिक एसिड जो था हमारे पास, जो एराकिडोनिक एसिड है वो ब्रेक हो रहा था साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे से, उसको ये एनसेड जो है वो रोक देते हैं, जिसकी वजह से ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं। बाकी इसको जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, इसको आप छोड़ दें। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट लिपिड्स। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट न्यूक्लिक एसिड्स।